भाइयों, मैं हूँ आकाश पवार। और भाई, आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत दिनों के बाद में आ रहा है। इतने दिनों से ना मैं बिजी चल रहा था किसी काम में, तो इस वजह से ना टाइम नहीं लग पा रहा था यार व्लॉगिंग करने का और वीडियो डालने का। और अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली। देखो, आज मैंने ना बैग टांग लिया है, बहुत दिनों के बाद में आज मैंने अपने कंधों पर बैग टांगा है। आज मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ। मैं और अभय निकल रहे हैं अभी घर से। भाई साहब, दोपहर के 12 बज रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। पर चलो, मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हैं सोहना तक, और सोहना से फिर उसके बाद में फिर आगे का सफ़र जैसे तय करेंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि ए डे इन माई लाइफ, जैसे यार उनका है ना ए डी इन माई लाइफ चला जाए। अरे चोमू, मोटरसाइकिल बंद कर, तेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही जनता को, वो मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो ए डे इन माई लाइफ वाला सीन होगा कि ए डे इन अ मेट्रो, ए डे इन अ बस, ए डे इन अ लोकल ट्रेन, सो लाइक दैट। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। ठीक है भाई, हम लोग तो अभी यहाँ पे, ये अपना सोहना का बस स्टैंड है कुछ यहाँ पे, ये सिटी बस जो है ना ये चल रही है यहाँ पे, तो आज इसी में बैठ के जाते हैं हम गुड़गांव तक, अब हुड्डा सिटी सेंटर। हमको मेट्रो जाना है, पर मेट्रो के लिए भी ये जाती है अब तो, ये तो मिलना रही यार। इसका टाइम तो 1:30 बजे का, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, तो भाई कौन यहाँ पे इतनी देर तक वेट करे, इसलिए इसी में चल देते हैं बैठ के, और अपना उतर जाएंगे राजीव चौक, उसके बाद में चले जाएंगे ऑटो में बैठ के फिर। कहाँ बैठे ना? यस। तो प्राय की सीट है। ओ यार, कहीं और आ जाओ, लगेगी आज इधर आ जाओ तो फिर। जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी जल्दी, और तेज और तेज और तेज। भाई पहुंच गए हम तो सुभाष चौक पे, और भाई साहब बस में कितनी गंदी हालत हो जाती है ना, मतलब बुरी हालत, एकदम धवे धुवे सारे के सारे, पूरा पसीना पसीना और धूल ही धूल मिट्टी में हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा लगता ना कि ओहो हो हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओहो तुम बसेज एसी वाली क्यों नहीं हो जैसे दिल्ली मेट्रो है, हैं वो कितनी बेस्ट होती है यार। भी है, लेकिन उसमें हम बैठे नहीं ना। कहाँ एसी वाली, अपने रूट पे कहाँ एसी वाली चलती है यार? अपने रूट पे नहीं चलती, गुड़गांव में चलती। गुड़गांव में चलती है ना, हम तो अभी सुभाष चौक में हैं। अब चलते हैं जल्दी से अपनी वीआईपी मेट्रो के लिए, सस्ते के चक्कर में देखिएगा इस क्या करना पड़ रहा है। बस से उतरने के बाद में हम तो आगे भी मेट्रो स्टेशन पे, अब चलते हैं अपना मेट्रो में बैठ के। सबसे सही एसी, साफ सुथरी और जल्दी तो खैर नहीं पहुँचाती है, टाइम तो ये बहुत लेती है, हर स्टेशन पे रुकती है, पैंट पे रुकती हुई चलती है, तो फटाफट इसके अंदर और चलते हैं अब। आकाश भाई, ये क्या, अभी तुम कढ़ी चावल खा के आए और अभी फिर ये क्या खा रहे हो? ये लिट्टी चोखा भाई, ये तो बिहार का बहुत फेमस डिश है। मेरे को तो कहते रहे तो चावल खाता है भाई, मैं भी तो कभी अप्रिशिएट नहीं करती। बिहारों ने इतना अच्छा डिश बनाया है, बिहार वालों ने इतना अच्छा डिश बनाया कि देखिए मैं कितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसको। और अब कैमरे के सामने नहीं यार, मैं तो इसको जहाँ भी मेरे को दिखता है मैं उस जगह खाता हूँ यार, अब ऐसी बात नहीं है। तो कैसा है स्वाद, कैसा है इसका? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ सही है। मैं भी खा लूँ? हाँ मैं भी खा लूँ। अभी तक तेरे को भूख नहीं थी? अभी तक तो मेरे से कह रहा था कड़ी चावल खा के आए हैं। सुनिश्चित ना हो, ठीक है क्या? बीच वाली सीट पे बैठे हैं जो किसी के लिए सुनिश्चित ना हो। हाँ नहीं तो इसमें लेडीज वगैरह का, बड़े बूढ़ों के लिए वो सारा सिस्टम बहुत होता है, तो कोरोना का भी सिस्टम बट गया है ना, 2 नोट सीट हेयर पे, और अभी भी लगातार। अरे हमारे सामने गेट खोलो भाई, क्या खोल रहे हो लोग यहाँ पे, खोलो जल्दी, भागो जल्दी 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 जल्दी। सबसे बेस्ट होता है इसमें कॉर्नर सीट ले लो और अपना मस्त शांति से बैठ चले। हाँ कोई ना, चलो भाई। आकाश क्या कर रहा है? भाई मैं राजबेट पे गेम खेल रहा हूँ। राजबेट ये क्या है? भाई ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 5000 से ज्यादा गेम्स अवेलेबल हैं। अच्छा हाँ, मुझे भी कोई गेम खेल के दिखा। देखो राजबेट का ना ऐसा इंटरफेस है, इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे गेम मिल जाते हैं, जैसे ये एविएटर गेम है तो इसको खेलते हैं हम अभी यहाँ पे। तो देख अगर मैं तेरे को दिखाता हूँ ये गेम कैसे खेलते हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरे ये हेलीकॉप्टर है ना, देख भाई साहब ये बढ़ता हुआ जा रहा है 1.2, और यहाँ पे मेरा कैश भी है जो बढ़ता जा रहा है 700, 800, और यहाँ पे 890, 900, और यहाँ पे मैं इसको बैट को यहाँ पे पोज कर दूंगा क्योंकि भाई साहब ये बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 1300, 1400, 1500 बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। देख यहाँ पे मेरा बढ़ गया 1545 रुपये, यहाँ पे मेरा बढ़ गया। इसके बाद में नीचे वाली बैट को तो ये तो बढ़ती जा रही है 2000, और यहाँ पे 2400, 2500, भाई साहब मजा आ रहा है यार, ये तो बढ़ता हुआ जा रहा है 3000 के बाद में। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी तो बढ़ता हुआ जा रहा है 7.5, 7.8, 7.9, 10, 11, 12, और यहाँ पे कैश है जो वो भी उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर बढ़ता जा रहा है 9000, 10000, 11, और यहाँ पे अभी मेरा 12000, ये लो
मैंने यहाँ पे भी अब इसको पोज कर दिया यहाँ पे, ये पड़ गया मेरा यहाँ पे 16,12,632। और भाई साहब मैं अपने पैसे को यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। तो अगर आप भी राजबेट पे ऐसे ही गेम खेलना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए और डिपॉजिट पे 200% एक्स्ट्रा बोनस पाइए। क्लिक जस्ट वंस, राजबेट इज योर चांस। जो पहले हमसे मेट्रो गई ना जस्ट हम जैसे ऊपर चढ़े तो उसमें तो इतनी भीड़ थी, मतलब एकदम पूरा एकदम खचाखच भर गया था और ये वाला देखा पूरा खाली, इसमें कोई है ही नहीं। आगे आगे तो मेट्रो में भीड़ भी होती है, पीछे पीछे की तरफ तो कोई भी नहीं होता। और अब ऐसा देखिए नींद के झटके भी यहाँ पे अब आने लगे हैं क्योंकि मेट्रो ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। अभी हम उतर गए यहाँ पे करोल बाग के मेट्रो स्टेशन पर, इतनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली के अंदर तो इतनी गर्मी तो अपने वहाँ पे भी। और भाई ये क्या है, ये पक्षी कौन सा है, ये कौन सा पक्षी है? अरे आँखन के अंदर तो ये दिख नहीं रहा है, ये बैठा इतना बड़ा पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये आँखें बटना है। चील, चील, मैं वही टेस्ट कर रहा था कि तुझे पता है या नहीं पता है ब्रो। करोल बाग में भाई कितने सारे IAS की कोचिंग लेने वाले बच्चे घूमते हैं। देखिए खाली झोला, इसके झोले के अंदर सिर्फ एक बोतल है और कुछ नहीं है। करोल बाग मार्केट में ना कभी भी आ जाए तो इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता ना, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, देखो पूरा यहाँ पे भरा रहता पूरी मार्केट। और अब तो यहाँ पे पहले ना जब हम आते थे जब तो खाने पीने की भी जगह नहीं हुआ करती थी कहीं भी, कोई भी रेहड़ी वेहड़ी नहीं रहती थी। और अब तो जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करती जा रही है वैसे खाने पीने के यहाँ पे भी जुगाड़ होते जा रहे हैं। अब पहले तो हम लोग आए थे पैदल पैदल वहाँ से मेट्रो स्टेशन से और यहाँ तक, और अब हमको मिल गई है स्कूटी जसवंत जी की। तो जसवंत जी अब हमको अपनी स्कूटी पे बिठा के छोड़ के आ रहे हैं। तो जसवंत जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है करोल बाग में? बहुत बढ़िया। आपका बढ़िया, अच्छा खासा मन लगता है इधर? देखिए गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा मन लगता है, अगर आप भी अपना मन लगाना चाहते हैं तो जरूर करोल बाग मार्केट को एक बार विजिट करें। भाई साहब भीड़ देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़, मतलब खाने पीने के लेकर भीड़, और यहाँ पे कपड़े वगैरह की भी है तो चलो लोकल शॉप्स हैं। अब भीड़ देखो भाई, मैं इस गली में से आया अभी निकल के, इसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खाने पीने के तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं, खाने की दुकानें मिल जाती हैं। अरे अबे कहाँ खो गया, किधर चला गया बतराते। देखो गाइस ये नोटी बॉय यहाँ पे छुप रखा है, मैं इतनी देर से इसको ढूंढ रहा हूँ, यहाँ देखो स्माइल कर करके हंस हंस के यहाँ पे बतरा रहा है फोन पे, देखो शर्मा गया। हम यहाँ पे टी शर्ट देखने के लिए चले गए थे नीचे बेसमेंट में, मतलब ऐसे खींच खींच के लेके जा रहे थे हम जैसे यहाँ पे घूम रहे थे। भाई साहब मतलब यहाँ पे भी आपको 500 रुपये से स्टार्ट होती है टी शर्ट, जैसी लोकल टी शर्ट अपने वहाँ पे 200, 250, 300 रुपये में मिल जाएंगी ना, ऐसी टी शर्ट्स को यहाँ पे बोलते हैं भाई 500 रुपये से स्टार्ट होंगी भाई 600 रुपये से स्टार्ट होंगे। हमने कहा भाई इतने अगर महंगी लेनी है ना तो हम ब्रांडेड टी शर्ट ले लेंगे, खामा खाएँ कि यहाँ से क्यों लोकल टी शर्ट लेंगे फिर यहाँ पे। अबे भाई कहाँ तो आपको वो टी शर्ट इतनी महंगी लग रही थी, 500 रुपये की 600 रुपये की दे रहे थे वो आपको, और यहाँ आपने जो लिए कोक के हैं ब्रांड के, ये कितने के ले लिया? 1530 में तीन, 1560 रुपये में, 1530 मेरे कार्ड से पेमेंट है, 1560 रुपये की पेमेंट हुई है, ठीक है ना 1560 रुपये। भाई कम से कम ये ब्रांडेड तो है, कपड़ा हैवी तो है, क्वालिटी का तो है, कम खामा खाएं कि लोकल मार्केट में भाई साहब इतना महंगा दे रहे थे, इससे अच्छा तो ऐसे देख। अब भाई करोल बाग से जाने का टाइम आ गया, अपनी शॉपिंग वगैरह जो हमको करनी थी वो कर ली, और अब टोकन लेकर क्योंकि कार्ड अपने पास में है नहीं, हम डेली के ट्रैवलर्स हैं नहीं यहाँ पे, तो अपना निकल लिए बैक टू होम फ्रॉम दिस करोल बाग मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अरे यार जस्ट हम 5 सेकेंड, अगर जो मैं कैमरा ना निकाला होता तो अभी हम इस मेट्रो में होते और हम घर पहुँच चुके होते लगभग 2 मिनट पहले। कितने लेजी हैं भाई हम लोग, देखो यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं बस्टवेल, हम एस्केलेटर्स का यूज़ करते हैं, हम अपने पैरों को यहाँ पे बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि उनमें थोड़ा बहुत भी उनको ये रियलाइज़ हो कि हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, फुल वैल्यू कर रहे हैं, फुल रिस्पेक्ट है। नेवर एवर कम बस एट दी ऑफिस टाइमिंग इन गुड़गांव, नेवर एवर, समझ आ गई? कभी नहीं, कभी नहीं, 1 घंटे पहले घर से निकलो 1 घंटे पहले उस जगह को छोड़ दो, नेवर एवर। गाइस मैं उतर गया हूँ अभी बस में से, ओह मेरा तो फ़ोन गिरते गिरते बचा है गाइस, सोना में नहीं मैं कह रहा हूँ मैं साउथ गुड़गांव में उतर चुका हूँ अभी। साउथ गुड़गांव अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो सोना है वो साउथ गुड़गांव में आता है। सर आई एम इन साउथ गुड़गांव राइट नाउ, सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड होम सेफली, और गुड़गांव सॉरी साउथ गुड़गांव में मैं पहुंच चुका हूं अभी।
और भाई मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, आप हमारी शक्लों से देख सकते हैं, और अरुण हमको देख के और ज़्यादा टायर्ड हो गया। और मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैंने अभी रनिंग वगैरह स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। ओके, और देखिए मैंने अपनी नई नवेली टी शर्ट को पहन लिया है, और यहाँ पे मैं बहुत इसको पहनने के बाद में डाइट पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट है, दो दिन से रेस भी जा रहा है, और हैवी डाइट ली है। आज अरुण की तबीयत भी बहुत खराब है, अब कल से कल तो रेस्ट चाहिए, कल नहीं जाना, कल तो रेस्ट बनता है, कल नहीं उठना। नहीं 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 अरुण 5:30 बजे रेस के लिए जाता, फिर 8 बजे 2 बजे आके सो जाता है। कोई नहीं, ताला खोल देना यार, ऐसे मत करो, तुम लोग मुझे पता ताला लगा दोगे जिससे मैं ना जाऊं, तुम नहीं खोलोगे तो मैं बाहर चौक में भागूंगा, पर भागूंगा जरूर। 8 बजे से 12 बजे सो लेता है, 2 गिलास मौसमी वो जूस चाण ले, 1 घंटा बाद 1 कटोरी दूध, वक्त बाद 2 रोटी, फिर दिन भर सोवे, फिर वक्त बाद शाम के फिर, हाँ हाँ, फिर रात के फिर दूध पी लेगो और कच खा लेगा। है जब इनको 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिजल्ट दिखेगा तो आप भी देख देख रहा है इतना सोने से कैसे कैसे कम होता है, वो आपको अरुण पवार इंग्लिश चैनल में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छे। तो भाई अभी यही था मेरा डे इन अ लाइफ जो मैंने अपने डे इन माय बिजी लाइफ, बोरिंग लाइफ, बहुत स्ट्रगलिंग डे था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है मेट्रो में बस में, स्ट्रगल के दिनों का याद रखने की आवाज है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। सो भाई वीडियो देखने से का धन्यवाद, डाउनलोड कर लो वीडियो को, मेरे पास बात में एडिट करते हैं, तो इग्नोर हिम गाइस, इग्नोर हिम। सो वीडियो देखने से का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।